मतलब एक ही इसमें कितने सारे ब्रांच में इतने सारे फ्लावर हैं, इतने अच्छे से इन्होंने डेकोरेट किया, मतलब गार्डन तो खेल के आते। तो मैंने सोचा चलो अच्छा बच्चे को पीछे मार्केट ही है तो यहाँ पे ही। हेलो फ्रेंड्स, तो आज शाम हो गई और मैंने ब्लॉगिंग भी नहीं की, तो अभी बच रहे हैं 5 और तो मैंने सोचा छोटा सा ब्लॉग आपके लोगों के बनाती हूँ। तो आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं अभी? तो मैं तो पहले सो गई थी खाना वाना खा के, और बेटा मेरा बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा था, उस वक्त थोड़ा तबीयत अभी सही नहीं है, दवा खाई और रेस्ट किया, फिर उसके बाद थोड़ा आराम करने के लिए सो गई। अभी मैं उठी हूँ तो मैंने सोचा कि चलो आपके लिए ब्लॉग बनाते हैं। तो चलिए, अब शाम का टाइम हो रहा है तो मोस्टली चाय का टाइम है, तो देखते हैं चाय बनाते हैं और चाय के साथ कुछ अच्छा सा स्नैक्स भी बनाते हैं। वैसे मुझे खाना नहीं है लेकिन मुझे बनाने का कुछ ज़्यादा शौक है, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ। चलिए बनाते हैं। जाए तो क्या बनाया जाए, तो इसलिए ना मैंने सोचा कि आलू और प्याज की पकौड़ी बनाई जाए, तो एक आधी मैं भी चख लूँगी। वैसे अभी मुझे मना है खाने के लिए, बट मैं नहीं खाऊँगी, बनाऊँगी। अनियन कटते टाइम इतने ज़्यादा आंसू आते हैं ना। अच्छा सब लोग बताइएगा किस किस को ये प्रॉब्लम है, अनियन चॉप करना बहुत ही कठिन लगता है मुझे, मतलब इसी तरीके से मुझे आंसू आते हैं वैसा जब मैं फील करती हूँ। तो फील ही किया है मैंने, कट भी नहीं किया, बट इतने ही आंसू मुझे इसी तरीके से आते हैं। तो मैं एक नए तरीके से है ना, एक नए तरीके से बनाती हूँ पकौड़े। तो मैं इस अनियन को ना ऐसे गोल गोल कट करती हूँ, इस फॉर्म में कट करना है। ये देखिए मैंने आलूओं को भी इस तरीके से गोल गोल कट किया है और अनियन को भी गोल गोल कट किया है। मैं क्या करती हूँ, एक आलू और एक अनियन लेती हूँ इस तरीके से, और तब उसको बेसन में डिप करके पकौड़े बनाती हूँ। तो चलो देखते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे। पकौड़े तो सभी को पसंद ही होते हैं, तो ट्राई करते हैं। और ऐसे मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है, तो मैं बेसन ले रही हूँ यहाँ 2 चम्मच। अभी मैं थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पाउडर आप डालना चाहें तो डालें वरना स्किप कर दें, थोड़ा सा जीरा। और मैंने सोचा साथ के साथ चाय भी बना लेते हैं, तो मैंने चाय भी चढ़ा दी है। तो और पकौड़ों के लिए मैंने पेशन को भी बोल दिया है। और यार ये देखो इसका ना मतलब थिकनेस इसकी ऐसी होनी चाहिए, जो ये पकौड़ी बनती है बहुत ही टेस्टी बनती है। और अनियन और ये दिखाते हो, तो मैं हमेशा अनियन ऐसे गोल गोल कट करती हूँ और ऐसे ही गोल गोल आलू भी कट करती हूँ, और एक अनियन और एक आलू इस तरीके से लेके ना इसमें डिप करके तो पकौड़े बनाती हूँ। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बनाती हूँ, बहुत ही यम्मी बनते हैं, ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। चलो पालक के पकौड़े भी बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने पालक को अच्छे से धुल लिया है, और ये डंडी वाली पालक है ऐसे, तो मैं इसको ना यहाँ से कट करूँगी, मतलब इतना होना चाहिए इसमें इतनी डंडी। तो इस तरीके से मैं सारी पालक को अभी कट कर लूँगी, और इसके भी पकौड़े ना बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ। वो तो ना बीच में बहुत फेमस हुई थी पालक के पत्ते वाली और कटोरी चाट रॉयल कैफे की, हाँ हाँ। तो
ट्राई करती हूँ। वैसे मैं पालक की पकौड़ी तो बनाती हूँ लेकिन पत्तों से नहीं बनाती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी ट्राई करते हैं, तो देखते हैं कि कैसे बनते हैं। तो ये देखिए ऐसे करते हैं, कढ़ाई तो चढ़ी ही है, तो इस तरह से पत्ते को, वैसे दो पत्ते लेने पे एक रहेगा, बहुत ज़्यादा बेसन भी ना हो। पूछ दूंगी, ज़्यादा बेसन नहीं लगाना हमें, बहुत बेसन लगा देंगे तो फिर पत्ते का वो नहीं रहेगा। एक हल्का हल्का बेसन लगा के मैं इसको फ्राई करूँगी, देखते हैं भाई कि क्या फ्लेवर आता है। तो ये वाले पकोड़े ना मैं भी ट्राई करती हूँ, सच में बहुत अच्छे बने। मुझे खाना नहीं था, मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, रियल में बहुत खराब है। इनको चाय के साथ इंजॉय करते हैं तो चलिए इंजॉय करते हैं। वो जो पीछे सामान रखा है ना, वो पैकिंग हो रही है मेरी जाने की, तो उसे वही सामान रखा हुआ है। बहुत जल्दी है बाहर जाने की, हाँ कहाँ जा रहे हो आप? और अपनी ये मैजिक कार्ड तो लो। बहुत मस्ती हो रही है। अपना स्लाइडिंग कर रहे हो क्या? मम्मा को नहीं बैठा लोगे? हाँ। बैठा लोगे? हाँ सर होगा। देखो वो भी आ रहा है ऊपर से। ओ डाउन आ गया, डाउन आ गया। किस किस को ना मतलब ऐसे बहुत पसंद है नीचे टहलना घूमना? यार मेरा क्या होता है कि काम के आगे, अभी तो खैर मम्मी है तो मैं रेस्ट पे हूँ, वरना काम के आगे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं चलूँ नीचे चलूँ। और रूटीन, वैसे एक हमें अपनी लाइफ के लिए एक रूटीन सेट करना चाहिए, एक घंटा अपने पर्सनल भी निकालना चाहिए, जिससे माइंड भी बहुत फ्रेश रहता है और अच्छा भी लगता है थोड़ा सा। और ये है सॉरी सॉरी कर रहे हैं खुद शैतानी ग्राउंड में नीचे आगे ना। तो क्या है आजकल हर सोसाइटी की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि डॉगी इतने सारे होते हैं, मैं आपको दिखाऊं कितने सारे डॉगी भी यहाँ पे हैं, लेकिन ये बोलते नहीं हैं। तो जो पालने वाले होते हैं ना वो तो फिर भी हैं, ये थोड़ा सा काटते नहीं है। देखो एक साथ में कितने सारे डॉगी लेटे हुए, बाप रे बाप। ये कौन सा तरीका है वो चलाने का मैजिक कार अपनी? हाँ मतलब एक ही इसमें कितने सारे ब्रांच में इतने सारे फ्लावर हैं, इतने अच्छे से इन्होंने डेकोरेट किया। मतलब गार्डन तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो टावर के बाहर लगा के रखा ना बहुत ही गुड लुकिंग में आ रहे हैं। फाइनली मम्मी पकड़ में आ गए। देखो मम्मी हेलो करो, हाय करो। मम्मी भी कैमरा सही है ना, मम्मी भी किसी के कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, तो मम्मी भी सॉरी को लिख लीजिए। आई तो मैंने थोड़ी सी क्लिप बना ली जाए मम्मी की भी। तो मम्मी अभी मेरी ओटी की वजह से यहाँ पे आई हुई है और मुझे रेस्ट दे रही है, खुद काम कर रही है, तो हम लोग थोड़ा नीचे आए थे, तो आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग भी करते हैं। ये फ्लावर ना देखो इतना सुंदर लग रहा है ना, मच्छर तो इतने टाइम इतने हो जाते हैं ना, जैसे कि कहाँ से आ जाते हैं। तो ये मतलब एक ही इसमें कितने सारे ब्रांच में इतने सारे फ्लावर हैं, इतने अच्छे से इन्होंने डेकोरेट किया। मतलब गार्डन तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो टावर के बाहर लगा के रखा ना बहुत ही गुड लुकिंग में आ रहे हैं। भाग गए हैं मम्मी के साथ में दुकान पे, उनको खाने हैं कुरकुरे, तो वो खड़े हैं मम्मा का वेटिंग कर रहे हैं, और क्योंकि उनको लेने हैं कुरकुरे। तो ये देखो, तो मैं भी चलती हूँ और देखती हूँ, उनको दिलाती हूँ कुरकुरे वगैरह। मैं ज़्यादा वैसे नहीं देती हूँ, पता है नुकसान करते हैं, लेकिन बच्चे हैं मानते नहीं हैं। तो ये पीछे मार्केट ही है, तो यहाँ पे ही चलो मैं उनको दिलाती हूँ। फाइनली तुम बाल नहीं कटवाओगे? हाँ इतनी मशक्कत के बाद में चलो बताओ।
फाइनली सॉरी के बाल कट गए हैं, और इतना उसने हेडेक कर दिया ना बाल कटवाने में, वो मतलब मैं, मेरी मम्मी और जो भैया काट रहे थे वो, और दो भैया बैठते थे वहाँ पे सैलून में उसमें, तो वो दूसरे वाले भैया ने भी एक तो हार मान गए, फिर उन्होंने पकड़ा और उन्होंने काटा, इतना चिल्लाया ना कि मैं क्या बताऊँ। और देखो बेटा देखो, इधर देखो, इधर देखो, हेलो करो। तो ये देखो फाइनली सॉरी के बाल कट गए, और हेलो कर दो, देखो देखो तो यहाँ पर दिखा देखती हूँ। और देख, और फिर भी उसने बहुत परेशान, मतलब इतना परेशान किया, तो काफ़ी टाइम हो गया। तो आज का ब्लॉग में ना अब यहीं पे समाप्त करती हूँ, और अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और सभी को शुभ रात्रि।